नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत से लोगों ने क्वेरीज की है, बहुत से लोगों ने इंक्वायरी भी की है कि अभी यहाँ पे मुंबई में ऑडिशंस होते हैं या नहीं। ऑडिशंस तो शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे सब बहुत से ही ऑडिशंस हाउसेस है वो चालू हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि हम लोग तो नए हैं, नए एक्टर हैं, नए कलाकार हैं, वी हैव नो एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी अनुभव नहीं है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही कहूँगा, आज के वीडियो में यही कहूँगा कि आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कैसे आगे बढ़ सकते हो, हाउ टू बी एन एक्टर विदाउट एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत तो है ही, लेकिन जो नए आए हैं, अभी अभी आए हैं, तो उनको मैं ये जो नीचे दिया हुआ है वो मेरी चैनल का लोगो है, उसमें जो लाल बटन है वो दबा दीजिए और बाजू का बेल भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे वो सबके इंटीमेशन मिलते रहेंगे और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा, दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरी फैमिली बहुत भी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी फैमिली हो गई है, रंगीन राह फैमिली, प्यारी सी फैमिली। दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत से वीडियोस जो भी है वो आप लोगों ने देखे ही होंगे, मेरे और भी वीडियोस है जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आप एक्टिंग में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो हाउ टू बी एन एक्टर विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में भी बहुत से वीडियोस हैं और कहाँ कहाँ मिलना है, कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं, क्या क्या होता है, और ऑडिशंस में जाने से पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है वो भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पहले ये बताऊँगा कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हो, जिस लाइन में भी जाना चाहते हो, तो उस लाइन के आपको प्रीवियस अनुभव होना ज़रूरी है, कुछ भी जानना ज़रूरी है उसके बारे में कि ये लाइन कहाँ है, कैसी है, कितनी मेहनत होती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक्टिंग ट्रेनिंग में भी करना ज़रूरी है। एक्टर अगर आपको बनना है, एक्टर में अगर आपको आगे आना है, बहुत दूर तक चलना है, तो आपको एक्टिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक्टिंग ट्रेनिंग कहाँ से होती है, जैसे कि बहुत से स्कूल होते हैं, एक्टिंग स्कूल होते हैं जो आपको एक्टिंग सिखाते हैं, स्टेप्स सिखाते हैं। ये स्टेप्स क्या होते हैं कि कैमरा एक्टिंग और कैमरा के सामने कैसे बोलना, डायलॉग कैसे बोलना, पोज कैसे देना, आपकी आवाज़ कैसे बहुत खूबसूरत बनाई जाए और एक्सप्रेशन कैसे दिए जाए, वो सब आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आपके शहर में एक्टिंग की ट्रेनिंग कोई नहीं हो, एक्टिंग स्कूल नहीं हो, तो दूसरे भी और स्कूल होते हैं, जैसे थिएटर ट्रेनिंग के लिए होता है। थिएटर ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको थिएटर्स के जो भी बाजूज होते, जो भी पहलू होते हैं, वो सब आपको बताए जाते हैं, कैसे एंट्री करनी, कैसे एग्जिस्ट करनी और कैसे अपने एक्सप्रेशन दिखाना, कैसे अपने जो भी आपका कैरेक्टर हो उसको न्याय देना, कैसे बोलना, कैसे आरोह अवरोह में क्या होता है कि आपके डायलॉग कहाँ पे ऊंचे है, कहाँ पे नीचे है, उसे आरोह अवरोह कहते हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा पॉज देना है, कहाँ पे ज़ोर से बोलना है, ये सब वहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है उसके लिए कि थिएटर में जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस ये हो जाता है कि सामने ही पब्लिक है और उसी में आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो आपने कैसा किया है वो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप उसमें आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको खामियां और खूबियां दोनों मालूम पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक्टिंग, मैं तो समझता हूँ कि ड्रामा की एक्टिंग ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। वो लेने के बाद आपके मन में जो भी डर होगा वो सब निकल जाएगा स्टेज पे आने का। कोई जो बहुत से लोगों को फियर होता है, थिएटर स्टेज का फियर जो होता है वो निकल जाता है। उससे क्या होता है कि आप फ्रीली अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हो और खुले से काम कर सकते हो। उसके बाद होता है, ये सब तो हो गया, लेकिन आपने फिटनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। फिटनेस इसलिए होना ज़रूरी है कि आपको जो भी कैरेक्टर मिले उसमें आप फ्रेश लगो, हर बार हर फ्रेम में आप फ्रेश लगो। ये थोड़ा करेंगे और थक जाएंगे तो तुरंत आपको कैमरा में पकड़ लेगा और आप सही काम नहीं कर पाओगे। तो समझिए कि आपको इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है तो इंस्पेक्टर रुआबदार होना चाहिए, आंखों में भी एक्टिंग छलकनी चाहिए, उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ गहरी होनी चाहिए। आवाज़ के लिए भी मैंने एक वीडियो दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। और ये सब करने की ज़रूरत होती है, तो ट्रेनिंग यही होता है। ट्रेनिंग यानी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो परीक्षा आप देने जा रहे हो, उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या
बाधाएं आ सकती है और आप उसे कैसे पूरा कर सकते हो। तो फिटनेस होना भी ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं आप जाते हो ऑडिशन देने के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका पोर्टफोलियो दीजिए। पोर्टफोलियो यानी क्या है उसके बारे में भी मेरा वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। पोर्टफोलियोज़ और या तो फिर आप जो हमें सादी भाषा में कहें तो फोटोग्राफ्स, डिफरेंट फोटोग्राफ्स, अलग अलग एंगल में फोटोग्राफ्स, क्लोजअप और टाइट क्लोजअप, लॉन्ग शॉट, लेफ्ट राइट, वो सब जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो फोटोग्राफ्स होने ज़रूरी है। वो क्योंकि अगर कहीं पे आप जाओ तो वहाँ पे आप देखे जा सकते हो, वहाँ दे अपने ऑडिशंस के लिए भी जाओ तो वहाँ भी आप दे सकते हो। तो अभी तो ये अच्छा हो गया है कि रिज्यूमे बना के आप अपने भेज दीजिए, जो भी ईमेल आईडी होती है ऑडिशंस लेने वालों की, या जो ऑडिशंस रूम्स होते हैं, ऑडिशंस हाउसेज होती है, वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी से भेज सकते हो, फोटोग्राफ देख सकते हो और आपने क्या क्या काम किया है। वर्कलिंक भी आपके अपने भेज सकते हो, छोटी सी वर्कलिंक बना लीजिए, उसमें आप अपने बारे में बताइए, आपका मोबाइल नंबर बताइए, आपकी हाइट बताइए, आपका कलर बताइए, आपके इंटरेस्ट बताइए, आप क्या क्या कर सकते हो वो बताइए, और आपने क्या क्या किया है वो भी बताइए। अगर वो भी बताया है तो नीचे आप उसकी लिंक दे दीजिए, यानी जो भी जब भी आप देख सके, वो लोग देख सके तो देख के पता चले कि ये किस टाइप की एक्टिंग किस तरह से कर सकता है और कितना कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों वर्क लिंक भेजना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसके बाद बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे भाई भतीजावाद चलता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, भाई भतीजावाद चलता है, से जैसे कि कोई एक्टर का हीरो का लड़का है तो उसे चांस मिल जाता है, लेकिन वो अगर उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो तो अच्छी बात है। जैसे कि रणबीर कपूर ने जो ली थी एक्टिंग, वो संजय लीला भंसाली के पास एक्टिंग मतलब डायरेक्शन में भी थे, सब थे। वो होना ज़रूरी है इसलिए कि उनको अलग अलग पहलुए मालूम पड़े, और उसके बाद जो सावरिया में जो आए थे तो उसके बाद उनको जो अनुभव था, तो कैमरा के पीछे रह के भी जो आपका अनुभव होता है वो बहुत ज़रूरी है कि कैमरा के सामने क्या क्या करना चाहिए, कैसे एक्टिंग करनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होता है, एंगल क्या होता है, वो सब जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये मैंने जो बताया वो शायद आपको अच्छा लगा होगा, आपको आपकी पहचान फिल्म लाइन से या जो भी आप करने जा रहे हो, एक्टर बनने जा रहे हो, तो उसके लिए आगे बढ़ने में मदद होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं प्रश्न के जवाब देते रहूँगा, बहुत से लोगों ने पूछा है, सब प्रश्नों के जवाब तो दे नहीं पाऊँगा, एक एक करके मैं हर एक वीडियो में बता दूँगा। तो दोस्तों आपके जो भी प्रश्न है वो लिखिए, मुझे बताइए, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है वो भी लिखिए, वो भी देखिए, और उसमें भी आप कुछ लिख सकते हो। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कुछ काम करोगे, आप देखोगे, वो फील्ड में घूमोगे, वो माहौल से तैयार हो जाओगे। तो दोस्तों हो सकता है आपको कुछ काम मिले तो आप असिस्टेंट भी बन सकते हो, असिस्टेंट बन जाओगे तो कैमरा के पीछे की जो भी बातें होती है वो भी आप सब जान जाओगे, और कैमरा का डर भी निकल जाएगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में आगे। दोस्तों मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, उससे क्या होगा आपको हर इंटीमेशन मिलती जाएगी। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, और होली की शुभकामनाएं। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोज में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशन में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।